बीजेपी सरकार का न्यू इंडिया जहां सिर्फ नफरत की खाई है, ऐसा न्यू इंडिया जहां रोजाना नफरत को बढ़ावा दिया जाता है, ऐसा न्यू इंडिया जहां विकास के नाम पर लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है, धर्म की अफीम चटाकर नफरत का व्यापार करने वाले सब कुछ भूल चुके हैं और सिर्फ नफरत को बढ़ाने का काम तेजी से कर रहे हैं। बीजेपी राज्यों में तो हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि उनके लिए ना तो कानून है ना ही गोदी मीडिया। आज आपको ऐसे न्यू इंडिया की तस्वीर दिखाते हैं जहां लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर हिंदू दल नफरत की खाई को और गहरा कर रहे हैं और मुसलमानों के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। बताते हैं विस्तार से आपको। जिस देश में गंगा जमुना तहजीब को तरजीह दी जाती है उसे अब सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है। मोदी सरकार ने और तथाकथित हिंदू संगठनों ने न्यू इंडिया को ऐसा बदल दिया है कि लोग सिर्फ धर्म की अफीम चाटकर सड़कों पर उतर आए हैं, जिसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे लाखों की संख्या में सड़कों पर हिंदुओं का जनसैलाब उमड़ा है। इन तस्वीरों में एक तस्वीर ये भी है जो नफरत के नाम पर देश को बांटने का काम कर रही है और धर्म विरोधी नारे लगा रहे हैं, वो भी सुनिए। तो दोस्तों, सुना आपने, इनका कहना है धर्म छोड़कर जाओगी टुकड़ों में बट जाओगी, अवैध मस्जिदें, कब्रिस्तान, लव जिहाद के यही निशान, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, वो भी खुलेआम। अब इनके लिए ना तो कानून है ना ही गोदी मीडिया, क्योंकि उसे तो बस सियासी रोटियां सेकने के पैसे मिले हैं। अगर यही काम कोई और कौम के लोग करते तो कब का आतंकवादी बना देती। दरअसल मामला मुंबई से जुड़ा है। एक खबर के मुताबिक देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद और अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की मांग लंबे समय से होती आ रही है। इन्हीं मांगों को लेकर हिंदू संगठनों ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े लोग शामिल हुए। दावा किया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। सामने आए वीडियो में भी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने जो हिंदू हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जैसे नारे लगाए हैं। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी तादाद में पहुंचे लोग को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राम कदम ने लव जिहाद और धर्मांतरण को देश के लिए घातक करार दिया है। इस मामले में सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। कई लोगों ने नफरत के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जानबूझकर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इस प्रकार के मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जाते हैं और इससे धार्मिक रैली का नाम दिया जाता है, लेकिन अफसोस है कि मुसलमानों के खिलाफ इन नफरतों के सौदागरों को शायद सरकार और प्रशासन का भी समर्थन प्राप्त है, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं होती। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, क्या यह है नया भारत, देश की ओर जा रहा है, क्या देश की आने वाली पीढ़ी की जड़ों में नफरत और जहर भरा जा रहा है, क्या मनुष्य को राक्षस बनाने की कोशिश चल रही है, प्रधान सेवक ने देश को किस ओर लाकर छोड़ दिया, क्या से क्या बना डाला देश को, जहां अब हर तरफ सिर्फ नफरत की बात होती है। वहीं एक अन्य यूजर ने ट्वीट में लिखा है, मुसलमान सेक्युलरिज्म को छोड़ कहां रहा है, 70 साल से और यहां के लोग खुलेआम धरना युद्ध का ऐलान कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की इससे बुरी तस्वीर और क्या होगी, अब मस्जिद और कब्रिस्तान भी नफरत के निशाने पर हैं। अब नफरत के सौदागरों की तादाद कैसे बढ़ती जा रही है वो आपके सामने है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।